कोलीन किस खाने में होता है इसकी बात करते हैं। मैं इसलिए जो इंडियन खाने हैं उसके बारे में बात करूंगा। कोलीन एक न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे शरीर की हर सेल्स को चाहिए उसके सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, और ये लिवर की हेल्थ के लिए, मांसपेशियों की हेल्थ के लिए, न्यूरो ट्रांसमीटर जैसा काम करता है, ब्रेन की हेल्थ के लिए गर्भावस्था के दौरान बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंडियन की बात करें, जो पहले वेज खाने की बात करता हूँ, अगर मिल्क को वेज माना जाए तो एक तो ये मिल्क दूध में होगा और दूध से बनी चीज़ें जैसे कि दही और चीज, ये कोलीन का अच्छा सोर्स है। तो ऐसे लोग जो वेजिटेरियन हैं उनमें दूध और दूध से बनी चीज़ों में कोलीन अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। इसके अलावा सब्जियों की बात करें तो एक क्रूसीफेरस फैमिली हम लोग बोलते हैं जिसमें गोभी होती है, तो इस गोभी में स्पेशली जो पत्ता गोभी होती है और ब्रोकली, इसके अंदर भी अच्छी क्वांटिटी में ये कोलीन न्यूट्रिएंट होता है। इसके अलावा बादाम है, उसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में होता है, और दूसरे भी नट्स हैं जैसे कि काजू है, पिस्ता है, इन सब में भी होता है, और मशरूम्स, मशरूम्स के अंदर भी ठीक क्वांटिटी में पाया जाता है। तो अगर आपके शरीर में कोलीन ना कम होने पाए तो अगर वेजिटेरियन है आप तो ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। इसके अलावा लाइमा बीन है जो सेम फली है वो, या तो किडनी बीन्स, राजमा, तो बाकी भी बीन्स में होता है लेकिन स्पेशली ये सेम फली और राजमा इनमें बड़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है, किनोया में होता है, और रेड पोटैटो है या व्हीट जर्म है, ये कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर ये अच्छी क्वांटिटी में ये कोलीन पाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट इसके सोर्स हो गए। नॉन वेज की बात करें तो नॉन वेज के लगभग सारे ही नॉन वेज में पाया जाता है, किसी में नॉर्मल, किसी में ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा। जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है अंडा, अंडे का जो पीला वाला पोर्शन, उसके अंदर कोलीन काफ़ी मात्रा में होता है। इसके अलावा चिकन में भी होता है, फिश में भी होता है, दूसरे भी सी फूड होते हैं, समुद्री जो फूड है उसमें होता है, मटन में होगा, और मटन के अंदर स्पेशली बात करें आर्गन मीट, चाहे चिकन या मटन किसी भी की, आर्गन मीट मतलब कि उसके लीवर के अंदर या किडनी हार्ट के अंदर ये कोलीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कोलीन के सोर्सेस हैं। किसी ने बताया होगा कि कोलीन हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्पेशली ब्रेन की हेल्थ के लिए, कि मतलब जो बीमारी डिमेंशिया है या स्ट्रोक के प्रिवेंशन के लिए, याददाश्त के लिए ये बड़ा अच्छा एक न्यूट्रिएंट है। इसके टैबलेट, कैप्सूल या सिरप के रूप में भी दिया जाता है स्पेशली गर्भवती महिलाओं को, ताकि बेबी की हेल्थ अच्छी रहे, जो बेबी अंदर पलता है उसके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना होने पाए, स्पेशली उसका जो दिमाग है वो अच्छे से डेवलप हो उसके लिए, और ओवरऑल जो प्रेगनेंसी है वो अच्छी चले उसके लिए कोलीन का सप्लीमेंट दिया जाता है। तो ये कोलीन के फूड सोर्सेस हो गए। अगर आप इसको अपने खाने में सम्मिलित करते हैं तो इसकी कमी नहीं होने पाएगी। ऐसा अभी स्टडीज में देखा गया है कि ऐसे लोग जिनको कोलीन की कमी रहती है उनके अंदर काफ़ी तरह की समस्याएं होने का खतरा रहता है, स्पेशली ये जो मानसिक समस्याएं हैं या नर्व से संबंधित है, क्योंकि कोलीन से एक न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलीन बनता है, तो उससे मांसपेशियों में समस्या है, ब्रेन में समस्या है, और जिन लोगों में कोलीन की कमी होती है उनमें फैटी लीवर की समस्या और एक हार्ट की समस्या बढ़ जाती है, इसके अलावा लकवा का खतरा बढ़ जाता है, तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये कोलीन के फूड सोर्सेस हो गए। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।